तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कहाँ गई वो मीना, कहाँ गई वो रीना और कहाँ गई वो टीना? तेल लेने गई टीना। अबे सर्दी के मौसम में निकाल दिया हमारा पसीना, मुश्किल कर दिया हम शरीफों का जीना। अब ख्वाब देखना छोड़ और हकीकत की दुनिया में आ। अबे केले के छिलकों, सारा मजा किरकिरा कर दिया। इतना हसीन ख्वाब देख रहा था मैं, बात बस बनने ही वाली थी। अबे तू दिन भर लड़कियों के बारे में सोचता रहता है क्या? नहीं तो क्या तेरे बारे में सोचूं? अरे लड़कियां तो ऊपर वाले की नियामत है। मुझे तो किसी के गाल अच्छे लगते हैं तो किसी के बाल अच्छे लगते हैं, किसी की चाल अच्छी लगती है तो किसी की नजर, किसी का फिगर। अरे कहाँ गए अपने वो दोस्त अर्जुन और असगर? हुआ है उन पर बहुत टॉर्चर, कर रहे हैं अस्पताल का सफर। ये मुसीबत कहाँ से आई और ये आफत किसने ढाई? अरे यार उसी ने जो खाती है मक्खन मलाई, बट शी इज नंबर वन कसाई। ये देखो इसकी काटी नाक, इसका तोड़ा हाथ और इस बेचारे का तो मर्दानगी ने छोड़ा साथ। कहाँ कहाँ मारा रे अबे तू कमल से कमला कैसे हो गया रे? अरे उसने ऐसी मारी लात, खत्म हो गई सारी बात। मर्द का था बच्चा, बदल गई मेरी दांत। कौन है वो, किसकी है औकात? हम है वो, हमसे करो बात। बात है भाई, सर से लेके पांव तक, शहर से लेके गांव तक, बात है भाई। ए यहाँ ना तुम्हारी बात बनने वाली है ना दाल गलने वाली है, समझे? नहीं गली तो क्या, कच्ची खा जाऊंगा। हे हम ना चाहे तो तुम तो क्या, हमें हवा भी नहीं छू सकती, समझे? खुदा की कसम बहुत देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। ये अकड़, ये घमंड, ये अदा, वाह, तुम्हारी मर्जी के बिना हवा भी तुम्हें नहीं छू सकती। लेकिन कल ये बंदा सबके सामने तुम्हारे होठों को चूम कर दिखाएगा। क्या छुप छुप के देख रहा था क्या? अरे नहीं 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 अभी बताती हूँ। अरे बाप रे, भागो। रुक, जाता कहाँ बदमाश? रुक। अरे काकी मेरी बात तो सुनिए। काकी नहीं छोड़ूंगी तुझे। अरे काकी मेरी बात तो सुन, वो नहा रही थी झरने पे, हम उसे देखने गए, तुम नहा रही थी कि नहीं झरने पे? हमने सोचा कि ये बाल सुखा रही है, जब खींचा तो वो निकली और ये वो के चक्कर में हम ये हो गए। अच्छा तो तुम दोनों का टाका है, जोड़ी तो बहुत अच्छी है। ए काकी हमारा कोई टाका वाका नहीं है, कोई जोड़ी वोड़ी नहीं है, जिंदगी में पहली बार देखा हूँ इसे, जानता भी नहीं इसे। जब मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं तो क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? अरे वो ये जानने के लिए कि सपना था या सच। अब तो जान गए ना पापा कि मैं सपना नहीं सच हूँ। राजू भैया गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? तेरे सारे जानो ठाकुर के खेत में घुस गए। अब क्या होगा? वही पंचायत में पेशी। बैठ जाइए। अरे तू क्या बैठ रहा है, तू तो गुनेगार है। आओ बेटी। अरे
राजू, तुम्हारे कारण हमारी सारी फसल खराब हो गई। जवाब दो, तुम्हारे जानवर हमारे खेत में कैसे घुस गए? हजूर, माय बाप, वो हुआ यूं के पहले वो आई, फिर ये आई। ये कहां से आई पता नहीं, वो कहां चली गई पता नहीं। वो जहां गई हम वहां गए, लेकिन वो वहां नहीं थी, वहां तो ये थी। और फिर ये हमारे पीछे पड़ गई और वो हमारे सामने खड़ी थी, वो सामने खड़ी थी और ये पीछे पड़ी थी। हजूर, अगर पहले वो नहीं आती तो ये नहीं आती और ये सब नहीं होता और हमारे जानवर आपके खेत में नहीं घुसते। लेकिन हजूर, हुआ यूं के पहले वो आई, फिर ये आई और फिर वो। भाई, ये क्या नक्शा बक रहे हो? पहले ये आई, फिर वो आई। नहीं नहीं सरकार, पहले ये नहीं आई, पहले वो आई, फिर न जाने कहां से ये आ गई, समझे ना सरकार? और फिर, अरे मुंह बंद करना, ये आई वो आई, पहले ये आई थी, पहले वो आई थी। अरे ये नहीं आई पहले, पहले। अरे चुप! राजू, तुम्हारी लापरवाही के कारण तुम्हारे जानवर हमारे खेत में छूट गए, हमारा नुकसान हुआ। इसलिए 3 दिनों तक तुम्हारी गाय और भैंसों को हम अपने तबेले में रखेंगे, उनका दूध बेचकर अपने नुकसान की भरपाई करेंगे। यही पंचायत का फैसला है। अरे मूर्ख, तेरे कारण आज तक मैंने शादी नहीं की, ये बात तेरे खोपड़े में कब जाएगी? एक भैंसा और गैया नहीं चरा सकता है तू? अरे बापू, एक नहीं पूरी 20 गैया, 16 भैंस, 9 भैंसा और 18 बछड़ा है। चुप चुप, ले गया ना ठाकुर 3 दिन की कमाई, ऊपर से दूध और मलाई मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी। सजा? 3 दिन तक तुझे तबेले में सोना पड़ेगा। आपके साथ सोऊं या भैंसों के साथ, बात एक ही है। क्या कहा, क्या कहा? कुछ नहीं। चाचा जी, इसकी जज्बाती बातों में आकर इसे माफ मत कर देना, सजा तो इसे मिलनी चाहिए। हाँ भाई, इसे सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन बेटी इसे सजा क्या दे? हमारे घर में 30 दिन तक नौकर रखवा दो इसे, बगैर तनख्वाह के। हाँ तो राजू, तुमने जो कहा हम उससे सहमत हैं, लेकिन एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी, नुकसान तो हुआ है। क्या तुम्हारा मतलब है हमारा नुकसान नहीं हुआ? वो हुआ है सरकार। तो सुनो, कल से 30 दिनों तक तुम हमारी हवेली में बिना तनख्वाह के काम करोगे। क्या मतलब, तुम सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं 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 सरकार, बिल्कुल तैयार है। नहीं 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 चिल्ला रहा है क्या कर? राजू, तुम्हारी ये मजाल कि तुम पंचायत के फैसले को मानने से इनकार करो? नहीं सरकार, आप हमें काला पानी की सजा दो या सूली पे लटका दो, लेकिन अपने घर पे काम करने की सजा मत दो। हम मारे जाएंगे सरकार, बिन मौत मारे जाएंगे। नहीं, 30 दिनों तक तुम्हें हमारी हवेली में काम करना पड़ेगा, ये हमारा फैसला है। क्या हुआ पापू? वो आई थी, फिर वो आई थी, दोबारा ये कहा कि ये आई थी वो आई थी, तो उंगली काट कर इमली के झाड़ पे लटका दूंगा। मां, मैं कई सालों से देख रहा हूँ आप अक्सर गांव चले जाते हैं, ऐसा है क्या उस गांव में? मां? हाँ, मैं जल्दी तुझे बताऊंगी सब। नमस्ते। जीती रहो शालिनी बहन, पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। दिल पे लगे जख्मों को भुला भी तो मैं नहीं सकती। खैर ये बताइए, ठाकुर की बेटी के लिए कोई रिश्ता आया या नहीं? तुम हर साल यही सवाल पूछती हो और मैं तुम्हें यही जवाब देता हूँ कि अब तक नहीं आया। आखिर क्यों पूछती हो तुम ये सवाल? इसलिए कि ठाकुर गजेंद्र की बेटी की शादी सिर्फ मेरे बेटे से ही होगी। क्या तुम ठाकुर गजेंद्र के अत्याचारों को भूल गई हो? अगर भूल गई होती तो पिछले 20 सालों से हर साल उसकी
और उसके परिवार की खबर लेने कभी ना आती। भूल तो वो गया है कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। आज उसे उसकी भूल याद दिलाने का समय आ गया है पंडित जी, उसकी भूल की कीमत चुकाने का समय आ गया है। उसने मेरे होठों को नहीं चुमा है, जहरीले नागिन के फन को छेड़ा है। मैं उसको ऐसा डसना चाहती हूँ कि वो पल पल मरने के लिए तड़पता रहे और तड़प तड़प कर जीता रहे। आए हाय प्रीति, समझ ले तेरी विश पूरी हो गई रे। ए, तू तो उसका चमचा है, यहाँ क्या कर रहा है? मैं उसका चमचा था, अब तेरी चमची हूँ। मेरी झोली में कुछ डाल दे और न्यूज ले ले। न्यूज? वाओ 10,000। न्यूज ये है, किशन की माँ ने उसे कसम दी है कि वो किसी लड़की की तरह आंख उठा के नहीं देखेगा, किसी लड़की को छेड़ेगा भी नहीं, ऐसे टच भी नहीं कर सकता। समझ ले किशन का लॉकआउट हो गया। ओह गुड न्यूज। एक न्यूज और है। हाँ ना, न्यूज ये है, वो किशन की माँ है ना, वो इस वक्त शहर में नहीं है, गांव गई है विलेज, और किशन इस वक्त अकेला है, एलोन। यही मौका है, समझ गई ना बहना? फिर ना कहना। समझ गई, अब किशन मेरे हाथ से बच के नहीं जाएगा।